12:44 हो गए हैं और बाहर काफ़ी धूप है, फिर भी हम ब्लैक एंड वाइट पहन के जा रहे हैं थार पे फोटो शूट कराने। तो इतनी दोपहर में भी जा रहे हैं, देखते हैं। बाकी एक दोस्त मंगाया है थार, यहाँ पे शूज़ पहन के आ जाएंगे, ये वाला पूमा का शूज़ है। फिर देखते हैं, आपको दिखाते हैं आपको, सॉरी, क्या होता है। यहाँ पे हम कुछ इस तरह सज गए हैं, कंघे वंघे सब, दाढ़ी ओढ़ी सब बनवा लिए हैं। चलते हैं गाइस, फिर मिलते हैं आपको ब्लॉग पे। कैसन बाबा के घर जा रहे हैं अभी। तो गाइस शूज भी पहन लिया और अपने को दिखा देते हैं तो बार यहाँ पे अपनी बाइक, मिलते हैं रोड पे। ऑफ रोडिंग काफ़ी की, एक जगह तो ऐसा गड्ढा है कि लगता है गिर जाएंगे। यहाँ पे नहर वाली रास्ता जा रहे हैं, गाड़ी हमारी कल गिर गई है तो यार वो हो गया है, हल्ला कर रही है, थोड़ा प्राइवेशन कर रही है। एकदम लेह लद्दाख वाला थोड़ा फील आ जाता है, बिकॉज यहाँ पे साइड में नहर और यहाँ पे ये कुछ इस तरह के टिल्ला टाइप का है और रोड काफ़ी ख़राब है। अगर कोई बंदा तेज आएगा तो गिर जाएगा। ये देखिए गाड़ी आवाज़ कर रही है, देख कल इधरी साइड गिर गई थी ना पानी में। हम लोग 4 लाइन पे पहुंच चुके हैं और जा रहे हैं अभी हसन बाबा के घर। हसन बाबा घर आ गए हैं। यहाँ पे इतनी पतली रोड है कि जिसका घर बनेगा तो यहाँ पे कार वार कैसे खड़ी होगी। हसन बाबा का घर आ चुका है, इनका घर नया बना है अभी, काफ़ी खतरनाक। गाइस यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं कार का और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आरटीओ ऑफिस है। गाइस अपना पोपट हो चुका है, यहाँ पे थार नहीं आई, अब क्या कर सकते हैं। अब जा रहे हैं भैया लोग के पास, यहाँ पे कचरा फैक्ट्री अपने रीवा में, तो वहीं पे जाएंगे, देखते हैं क्या होता है सीन। मज़ा नहीं आया यार, 3 बजे धूप में अपन लोग खड़े थे ना भाई, इतना उत्साह से यानी एकदम एक्साइटमेंट थी कि यार थार में जाएंगे थार में, लेकिन कोई मतलब थार का वेट बढ़वा रहे, पोपट बना दिया। आपको दिखाते हैं आगे गाइस, काफ़ी अच्छी लोकेशन यहाँ पे अपने रीवा की महर्षि वाल्मीकि स्कूल है, ये देखिए दिख रही होगी आपको। और आगे 500 मीटर दूर कचरा की वो है, कचरा फैक्ट्री, यानी पूरे रीवा का कचरा यहाँ पे फेंका जाता है। हम दिखाते हैं आपको, आपके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, ये देखिए यहाँ पे कचरा फेंका जाता है। आगे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लोकेशन, ठंडी प्लेस है, आ चुके हैं, ये कचरा फैक्ट्री है, काफी खतरनाक। यहाँ पे अपने भैया लोग हैं, हमारे लोग। देख सकते हैं आप लोग, ये कचरा फैक्ट्री है, थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये अब बंद हो चुकी है, लेकिन इसमें पेड़ ओड़ जम चुके हैं काफी। पहले तो बहुत गंदा आता था, यानी बहुत बदबू मारता था, बहुत स्मेल मारता था, अब तो सही हो गया। यहाँ पे पानी भी भर चुका है, यहाँ पे देखिए कहीं मगर मगरमच्छ ना हो। चलिए यही है, आप दिखाते हैं फिर देखते हैं भाई ये लोग कहाँ जाते हैं। और क्या क्वालिटी देता है यार इसमें, मस्त बिना एडिट के देख रहे बिंटू, ऐसा आई फोन में फैल कर देगी। यहाँ पे रील्स की शूटिंग चल रही है, आप ना हो भैया। तो गाइस यहाँ पे हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, 1 घंटा टाइम दे रहे हैं तुम। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई है और यहाँ अपनी 3 बाइक हो गई हैं। यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है फिर से, यानी एकदम तबाही। गाइस अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो अब घर आ गया है, बिकॉज वहाँ पे बंद नहीं किया फोटो शूट का। यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छा प्यारा, आपको सनसेट दिखाते हैं फिर ब्लॉग को एंड करते हैं गाइस। ये देखिए आपको सिनेमैटिक्स, बहुत ज़्यादा गाइस थक गया था यार। एक लड़का था मेरा दोस्त, तो उसको उसकी बस भी छूट रही थी ना, तो उसके वजह से थोड़ा ब्लॉक वहाँ नहीं बना पाया, यानी 5-10 मिनट में उसकी बस छूटने वाली थी। सो गाइस यही था ब्लॉग, सनसेट आपको दिखा दिए, इस ब्लॉग के यहीं पे एंड करते, बाय टाटा।